Yes, now listen. 253 पेज पोस्ट वॉर नेशन युद्ध के बाद 1950 के बाद वो नेशन युद्ध के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ. इन जून 1950 द कोरियन वॉर ब्रोक आउट. कोरियन वॉर स्टार्ट हो गया, छिड़ गया विद साउथ कोरिया. अब साउथ कोरिया की तरफ कौन सा सुपर पावर था वो यहाँ सुने. यस, रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम द यूएस ले, यानी यूएस ले, यूएस इसकी लीडरशिप कर रहा था. यूनाइटेड स्टेट साउथ कोरिया की तरफ था, इसके फेवर में था जी. नेशन फोर्सेस थी इसके. एंड नॉर्थ कोरिया रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिस्ट चाइना. नॉर्थ कोरिया में चाइना वो सपोर्ट कर रहा था, साउथ में यूएस लेड फोर्सेस, मतलब यूएस जो सेनाएं थी 30 कंट्रीज की वो यूएस को सपोर्ट. तो इस तरह से ये सपोर्ट तो इट डेवलप्ड, ये डेवलप हो गया, ये विकसित हो गया, ये आगे चलकर फिफ्टी के बाद डेवलप्ड हुआ इनटू विंटेज प्रॉक्सी वॉर. विंटेज प्रॉक्सी वॉर में ये डेवलप हो गया ऑफ द कोल्ड वॉर. कोल्ड वॉर एरिया ये आप समझते हैं. इन जुलाई 1953 वो तीन साल के बाद आफ्टर थ्री ईयर्स द वॉर एंडेड इन एन आर्मिस्टिक एग्रीमेंट. आर्मिस्टिक ट्रूस हो गया, टी आर यू सी संधि हो गई आपस में, एग्रीमेंट हो गया, कितना युद्ध विराम हो गया है ना, युद्ध विराम तीन साल के बाद. कोरिया रिमेंड डिवाइडेड. कोरिया जो है वो डिवाइडेड ही रहा, कोई सोल्यूशन निकल के बाहर नहीं आया, वही नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया रहा. इसको देख करिए कोरियन वॉर हैड कॉज. अब कोरियन वॉर से जो जो डैमेजेस हुए उसके बारे में, नॉट ओनली मैसिव लॉसेस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, जान माल की हानि होने के मतलब ये भी हुई, और इसके साथ साथ बट ऑल्सो ए डिले इन द फ्री मार्केट इकोनॉमी डेवलपमेंट. और इसमें देरी भी देखी गई इस युद्ध के बाद. फ्री मार्केट इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी इसमें भी डिले हो गई इस मार्केट में भी. एंड डिमोक्रेटाइजेशन और लोकतांत्रिक जो वैल्यूज जो वहाँ पर इम्पोज करना थी वो भी डिले हो गई युद्ध के बाद से. प्राइसेस तो कीमतें थी चीज़ों की सडनली रोज वो बढ़ गई, ये ड्यू टू इन्फ्लेशन महंगाई की वजह से. कॉज बाई इंक्रीज नेशनल एक्सपेंस, क्योंकि पूरे राष्ट्र में पूरे देश के अंदर प्राइसेस काफ़ी हाइक हो गई, उनकी काफ़ी बढ़ गई, एक्सपेंस खर्चे बढ़ गए. करेंसी जो मुद्रा थी वहाँ की वो भी इश्यू ड्यूरिंग द वॉर, जो युद्ध के दौरान उनकी मुद्रा और जो खर्चे वगैरह थे वो काफ़ी हाइक कर गए. फर्दर मोर इसके अलावा इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़ औद्योगिक सुविधाएँ कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, जो बनी थी ये सुविधाएँ, जो इंडस्ट्रियल जो सुविधाएँ थी जब ये कॉलोनी था कोरिया, उस पीरियड में जो चीज़ें बनाई गई थी उनको तोड़ दिया गया. हैड बीन डिस्ट्रॉयड एंटायरली, पूरी तरह से उनको बिल्कुल बुलडोज कर दिया गया उस पीरियड के अंदर. एज ए रिजल्ट उसका रिजल्ट सामने ये आया कि साउथ कोरिया वाज फोर्स्ड, मजबूर हो गया टू रिलाई ऑन टू डिपेंड ऑन द इकोनॉमिक असिस्टेंस बीइंग प्रोवाइडेड बाय द यूएस. अब ये यूएस का मोहताज हो गया, उस पर डिपेंड हो गया पूरी तरह से, क्योंकि यहाँ का बहुत सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था जो कॉलोनी पीरियड में यहाँ पर बिल्डअप हुआ था उसको इन्होंने इरेज कर दिया. ये उनके दौर के बनवाए में है ना, इसको साफ कर दिया जाए. ये नुकसान इसके बाद कहता है सेकेंड दो साउथ कोरिया फर्स्ट प्रेसिडेंट, यहाँ के जो यद्यपि यहाँ के जो पहले प्रेसिडेंट थे क्या बोलते हैं सिंघम पढ़ जाओ इसको आप सिंघम आप सिंघम कहिए, बाकी को साइलेंट कर दो. सिंघम इजी है, इजीली फटाफट आपके सिंघम कहेंगे हम, इसकी एक पिक बन चुका है. हाँ चलिए सिंघमैन तो आप सही किसको मालूम है, यहाँ इनको लिखना चाहिए है क्या बड़ी, मैं तो शुरू से क्या था पता ही नहीं. हाँ तो रही इसको रही पढ़ सकते हैं, यानी सिंघम रही हेड बीन इलेक्टेड इन 1948 में ये यहाँ के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए थे थ्रू डेमोक्रेटिक प्रोसेस लोकतांत्रिक ढंग से, यानी कोरियन युद्ध के बाद.
ही एक्सटेंडेड, तो इन्होंने 1948 के बाद से इन्होंने अपने कार्यकाल को, अपने टेन्योर को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को बढ़ा लिया, दो बार बढ़ाया। कैसे बढ़ाया? थ्रू इलीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इन्होंने संविधान में अमेंडमेंट करके उसमें चेंजेस लाकर, संशोधन करके, यानी ऐसे करके उन्होंने अपने काम, अपने कार्यकाल को, टेन्योर को आगे एक्सटेंड कर दिया ट्वाइस, दो बार थ्रू इलीगल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स, जो नाजायज था। इन अप्रैल 1960 यानी 1960 में सिटीजन्स प्रोटेस्टेड, ये सारी बात वहाँ की पब्लिक देख रही थी, तो सिटीजन्स प्रोटेस्टेड, इन्होंने प्रोटेस्ट किया, विरोध किया वहाँ के नागरिकों ने, अगेंस्ट रिग्ड इलेक्शन। रिग कहते हैं धांधली वाला, रिग मतलब धांधली, ये जो धांधली हुई थी इलेक्शन में, जो उन्होंने अमेंडमेंट किए थे और अपने आप को फिर से एज ए प्रेसिडेंट को उन्होंने कंटिन्यू रखा, इस धांधली जो इलेक्शन हुआ था, इस रिग इलेक्शन को क्या नाम दिया गया? अप्रैल रिवोल्यूशन नाम दिया गया। अप्रैल में हुए थे तो इसी को लेकर क्रांति हो गई वहाँ पर, एक शॉर्ट एक प्रोटेस्ट हो गया था पूरे, नॉन एज अप्रैल रिवोल्यूशन, एंड रही वॉज फोर्स टू रिजाइन, और इसके चलते रही को, जो प्रेसिडेंट थे, उनको रिजाइन देना पड़ा। ये भूचाल वहाँ पर देखा गया। लास्ट पैरा इसका है विद द रिवोल्यूशन, अब ये क्रांति जो अप्रैल रिवोल्यूशन के नाम से जानी जाती है वहाँ पर, इस क्रांति की शक्ति के द्वारा, इम्पीटस माने और शक्ति, फोर्स, यानी तो विद द रिवोल्यूशन एज एन इम्पीटस, ये क्रांति जो अपने आप में शक्ति थी, द स्पिरिट ऑफ द पीपल, इस क्रांति से लोगों के स्पिरिट, जो स्पिरिट थी विच हैड बीन सब जो दब गई थी, राही एडमिशन लिया इस प्रेसिडेंट के दौर में, चुपचाप लोग बैठे हुए थे, कुछ बोलते नहीं थे, वो शक्ति, वो इम्पीटस एरप्टेड, अपीयर हो गई, एमर्ज हो गई इन द फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशंस एंड डिमांड, टू मिलाकर पब्लिक उठ खड़ी हुई, राइज हो गई, और उन्होंने अपनी मांगों को रखा, और उन्होंने प्रदर्शन किए, धरने किए, जुलूस निकाले इस टाइप के। हाउएवर इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस द डेमोक्रेटिक पार्टी, ये डेमोक्रेटिक पार्टी जो रही की थी है ना, इनके पार्टी, डेमोक्रेटिक पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन विच टुक पावर आफ्टर राहीज रिजरेक्शन कुड नॉट प्रॉपरली रेस्पॉन्ड टू सिटीजन्स डिमांड, ये पार्टी वहाँ के नागरिकों की मांगों को पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाई, वहाँ के लोग सेटिस्फाई नहीं हुए डिमांड्स, सिटीजन्स डिमांड्स ड्यू टू इंटरनल डिवीजन एंड कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि कोरिया के अंदर जो आंतरिक डिवीजन्स थे, वहाँ जो मतभेद थे, वहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट थे, गवर्नमेंट का ध्यान उधर डिवाइड था, इसलिए गवर्नमेंट उनकी बात को ढंग से सॉल्व नहीं कर पाई, प्रॉपरली रिस्पॉन्डेड किया लेकिन प्रॉपरली नहीं किया। इसके रिजल्ट क्या हुए? रादर रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिकल पावर्स, अब उसी कंट्री में जो रिफॉर्मिस्ट थे, जो समाज को सुधारने वाले थे, रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिकल पावर्स इमर्ज्ड, ये सामने आए, एंड द स्टूडेंट्स मूवमेंट, और उधर विद्यार्थियों के जो स्टूडेंट थे उनके आंदोलन शुरू हुए, इन दोनों ने मिलकर ग्रीव, ये दोनों ताकतें ग्रीव इंटू ए यूनिफिकेशन मूवमेंट, यानी ये दोनों क्या बन गई? कोरिया को यूनाइट करने वाली एक मूवमेंट, एक आंदोलन बन गया, इधर ये रिफॉर्मिस्ट लोग और ये स्टूडेंट्स लोग, यूनिफिकेशन मूवमेंट। दिस वॉज नॉट लुक अपॉन फेवरेबली बाई द मिलिट्री अथॉरिटी, वहाँ की जो मिलिट्री थी उन्होंने इसको अपने कंट्री के फेवर में नहीं देखा। फिर क्या हुआ उन्होंने, फिर मिलिट्री ने क्या किया, इसका रिएक्ट किस तरह से नहीं, मिलिट्री होती है फेवरेबली बाई द मिलिट्री अथॉरिटी। इन मे 1961 में क्या हुआ, ठीक है, ए डेमोक्रेटिक पार्टी गवर्नमेंट वॉज ओवरथ्रोन इन ए मिलिट्री कू मतलब तख्ता पलट दिया, कू माने तख्ता पलट देना, ओवरथ्रो कर देना, उखाड़ के फेंक देना, मिलिट्री की चाहे कर सकती है ना, उसके बाद सब पूरी तरह से पूरी आमद होती, पूरे हथियार होते हैं, तो इन्होंने इस पार्टी को वहाँ से उखाड़ फेंका, मिलिट्री कू कर दिया, अचानक न बोला, वहाँ से उसको हटा दिया गया और पूरी सत्ता अपने हाथ में ले ली,
जो वहाँ के कमांडर था उसने संभाल लिया थे। स्टेज्ड बाय जनरल किसने किया था वहाँ के उस आर्मी की सेनापति, क्या नाम है उनका, पार्क पार्क चंग नाम है, चंग चंग ही एंड अदर मिलिट्री ऑथोरिटीज और इनके दूसरे साबित थे। ये इस तरह से हम देखते हैं।